हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड और सिवई की दो चटपटी और मजेदार रेसिपी, जो खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। दोनों ही रेसिपी हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, कम तेल की भी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना, आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और फैमिली वाले आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है व्हाइट वाली ब्रेड, जो मैंने 5 स्लाइस लिया है, और मेरा छोटा वाला है। अगर आपका बड़ा वाला स्लाइस है, आपको 3 स्लाइस लगेगा। आप इसकी जगह पे व्हाइट की जगह पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो, और अगर व्हाइट है तो व्हाइट से भी बन जाएगा। तो मेरे पास ब्राउन वाला नहीं है, तो मैं इसे व्हाइट से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिवई ली है, जो ये पैकेट वाली सिवई आती है, ये वाली टूटी टूटी, ये हमने लिया है, जो वेट में हमारी 200 ग्राम थी, जिसको हमने 150 ग्राम ले लिया है और 50 ग्राम हमने इसी के अंदर रखा है। तो यहाँ पे नाप में बताऊं तो 1 कटोरी है। अगर आपके पास सूजी वाली सिवई होगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर नहीं है तो मैदे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। एक कढ़ाई ली है, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं। घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे घी डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। तो देखिए, जब घी में से बिल्कुल अच्छा सा धुआं निकलेगा तब हम अपनी सिवई को इसके अंदर डाल देंगे, और सिवई को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर सिवई को भूनने में हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए आप कंटिन्यू चलाते हुए सिवई को अच्छे से भून लीजिए। सिवई जितने अच्छे से भूनेगी उतना ही आपका नाश्ता कुरकुरा बनेगा और देखने में बहुत प्यारा लुक आएगा। तो देखिए, धीरे धीरे सिवई व्हाइट होने की तरफ चल गई है। तो यहाँ पर हम इसको धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है, सिवई हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, और कलर बिल्कुल डार्क नहीं करना है, इस तरह से हल्का सा लाइट हो गया है, कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे फटाफट, तो चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड देखिए, समय सिवई को मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब इसको हमें ठंडा नहीं करना है, इसको हम गर्मा गर्म अपने एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए, ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप से ज्यादा नहीं डालना है, 1 कप से कम नहीं डालना है। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो गरम गरम होगी तो ये फटाफट फूल जाएगी और इसे फूलने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो जब तक ये फूल नहीं, अपने ब्रेड के साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ब्रेड है, इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा तोड़ लेंगे, मोटा मोटा तोड़ेंगे। तो यहाँ पे फटाफट इसको तोड़ लेते हैं। इसके हमको साइड वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो साइड निकाल सकते हैं, लेकिन साइड निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रेसिपी का लुक नहीं बेकार आएगा, क्योंकि हम इसे इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से निकाल लिया है, यानी तोड़ लिया है। अब हम आगे का काम करेंगे, चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ, वही कढ़ाई ली। अब इसमें हम वापस से 1/2 टीस्पून तक घी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। इसको गर्म हो जाने देंगे, जैसे ही हमारा घी गर्म होगा हम अपने ब्रेड के ये टुकड़े को डाल देंगे। तो पहले घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ब्रेड हो चुकी है, सॉरी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ब्रेड डाल देंगे अपनी, और ब्रेड को हमें भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए हम दोनों चीजों को अलग अलग भून रहे हैं। क्योंकि सिवई को हम 2 मिनट ब्रेड के साथ भूनते तो ब्रेड का कलर बहुत ही ज्यादा काला हो जाता है, इसीलिए हम फटाफट 10 सेकंड इसे भूनेंगे ताकि ये हल्की सी हार्ड हो जाए। तो यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे अच्छे से इसे भून लेना है। भूनने से ब्रेड का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, अगर आप नहीं भूनेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। देखिए, हमारी ब्रेड हल्की हल्की सी क्रिस्पी हो चुकी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं फटाफट प्लेट में। तो फ्रेंड, एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर हम 5 कलियां लहसुन की डालेंगे, जो छोटी छोटी है। अगर आपकी बड़ी बड़ी है तो आप इसमें कम से कम 3 ही डाल देना, काफी होगी। अब इसमें हमारा जो ब्रेड था, जिसको हमने इस तरह से भून के लिया है, इसको हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे फटाफट, बिना टाइम को बर्बाद किए। और अब इसमें हम डालेंगे 3 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन चिली ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैं 3 डाल ली हूँ। अगर आपकी ज़्यादा तीखी है तो आप इसमें 2 ही डालना। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर क्या डालेंगे आपको बताते हैं। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून तक नींबू का रस डालूंगी। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप टमाटर 1/2 कट करके इसके साथ डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे मूंगफली, जो कच्ची वाली है। इसे भून कर नहीं लेना है, कच्चा ही डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 इंच की अदरक, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अदरक इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, अदरक का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप अदरक नहीं खाते तो आप हटा सकते हैं, लहसुन नहीं खाते तो उसको भी हटा सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा 2 से 3 बूंद ऑयल, जो सरसों का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर बटर और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, तो 1 छोटा कप पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। इतना पानी डालना है कि ब्रेड अच्छे से पिस जाए।
अब इसको हम बढ़िया तरीके से पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से पीस लिया, आपको दिखा देते हैं। इस तरह से अपना पेस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था। इस तरह से आपका होना चाहिए, हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसको हम फटाफट इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने सिमई को रखा था भूनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिमई हमारी अच्छे से फूल गई है, और अब इसके अंदर हम अपना ये जो तैयार किया हुआ पेस्ट है ये डाल देंगे, और दोनों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ऊपर से नीचे तरफ करते हुए मिला लेंगे। तो ये लग रहा है अभी थोड़ा सा ये आपको पतला लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको कवर करके रख देते हैं, तब तक चटनी बना लेते हैं। तो गुड़ की बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी इमली की चटनी आपके साथ शेयर करेंगे आप लोग के लिए। और यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, और यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक सरसों का तेल, और ये हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे मगरैल, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून तक डाल ली हूँ, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्ट भी आएगा। और अब 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो सौंफ का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने के साथ साथ आपके पेट को ठंडक भी मिलेगी। और फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा व्हाइट तिल यानी सफ़ेद वाले तिल, जो हमने सिर्फ 1/4 चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और सारी चीज़ों को हम धीमी धीमी आँच पर अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, जलाना नहीं है, हमें इसे भूनना है। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे जब ये उछलने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, बस काफ़ी है। और पानी में हम 1 उबाल आने देंगे, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो फ्रेंड देखिए 1 उबाल आना शुरू हो चुका है धीमा धीमा सा। अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो हम यहाँ पे 1/2 चम्मच हींग डाले हैं, और हींग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अभी हम नमक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब उबाल अच्छे से तेज होने लगे तब इसके अंदर क्या डालना है आपको बताते हैं। तो देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे गुड़। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इसकी जगह पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं, 4 चम्मच। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच गुड़ को ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं। वेट नहीं है हमारा, मुश्किल से 10 ग्राम होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वजनदार होता है, इसलिए ये वेट में थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ता है, कम चढ़ता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, आप लोग समझ जाइएगा। अब इसको हम धीमी धीमी आँच पर अच्छे से मिलाएंगे। तो बिना पानी डाले आप गुड़ को मत मेल्ट करना, नहीं तो वह जल जाएगा, उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो 1 कप पानी डाल दिया है, अब इसको हम धीमी धीमी आँच पर अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड देखिए अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका है धीमी धीमी आंच पर, और यहाँ पे हमने धीमी धीमी आंच पर इसको उबाला है, और सारा गुड़ जो था वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर के लिए डाल रहे हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल वाली भी डाल सकते हैं, और ये काफ़ी कम तीखी होती है, इसलिए मैंने 1 चम्मच भरकर डाला है। अगर आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च डाल लें तो आप लोग सिर्फ 1/2 टीस्पून तक डालना, भर के मत डाल देना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इसका तेज हो जाएगा तीखापन। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाला। तो ये गया हमारा 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, और यहाँ पे चाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड ये है हमारी इमली, जो हमारी 10 से 15 इमली थी, जिसको मैंने पानी में भिगो कर रखा था, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका पल्प भीग चुका है। अब मैं इसको छान के इसके अंदर ऐड करूंगी। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसको बिना इमली के भी बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा टमाटर कर करके पीस के डाल सकते हैं, उससे भी खट्टापन आ जाएगा, लेकिन इमली से बहुत बढ़िया चटपटी ये चटनी रेडी होगी। तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से साफ कर लिया है, अब मैं इमली का पानी ऐड कर दूंगी, और इमली को पानी को डाल के अब हम फिर से इसको पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पकने लगे। तो 1 मिनट तक उबालना है हमें, लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक नमक, और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे इसको बहुत बढ़िया चिकनाहट देने के लिए यानी इसको स्मूथ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल लिया है, और इसको हम ऐड करेंगे। इससे आपकी जो चटनी है उसका टेक्सचर बिल्कुल हलवाई वाली चटनी की तरह आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप अरारोट का आटा भी पानी में घोल कर डाल सकते हैं। तो देखिए इसको डालने के बाद कलर और टेक्स्चर दोनों में कितना डिफरेंट आ गया है। तो यहाँ पर अब हम गैस के फ्लेम को लो करते हुए पकाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल जब डाला हमने तो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। बस इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हल्की सी पतली रखेंगे, बाद में आपके अपने आप ये गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमारी खट्टी मीठी इमली की और गुड़ की चटनी रेडी हो चुकी है, जिसे आप किसी भी नाश्ते के साथ खाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आ जाएगा, और बहुत ही पसंद आती है बच्चों को ये चटनी। तो चलिए इसको छान कर रख लेते हैं।
तो फ्रेंड ये देखिए चटनी का जो टेक्सचर है वो अब आप लोग देख सकते हैं कितनी गर्म है। अभी हल्की सी पतली लग रही है लेकिन जैसे ही ठंडी होगी ये बिल्कुल हल्का सा थिक हो जाएगी और बहुत ही मजेदार ये चटनी बनती है। आप इसे एक बार जब किसी नाश्ते के साथ चख लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और आप इसे बना के पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए चटनी को साइड में आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। क्या क्या मसाले आपको बताते हैं। दो चुटकी हम इसके अंदर हींग डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हाफ टी स्पून तक जीरा जाएगा और हाफ टी स्पून तक हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जो हम इस तरह से लेकर हथेली में रगड़ कर डालेंगे। इससे अजवाइन का जो टेस्ट है वो निकल कर आता है। आधा चम्मच मोटी वाली सौंफ इसको जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा और आपके पेट को ठंडक मिलेगी। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसको कम कर सकते हैं। ये हमारा काश्मीरी वाला है तो ज़्यादा तीखा नहीं है। अगर आपका नॉर्मल वाला लाल मिर्च हो तो आप लोग आधा डालना। एक चम्मच भरकर चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल लेना, या फिर आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर हाफ टी स्पून तक दही डाल देना जो खट्टा होना चाहिए। और इसमें हाफ टी स्पून तक गरम मसाला डालेंगे जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर दूंगी। हाफ टी स्पून तक नमक डालेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक खाते हो। और सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम हल्दी बहुत ही कम डालेंगे, तो हम एक चुटकी हल्दी डालेंगे, बस इतनी काफ़ी है। और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम कवर करके रख देंगे एक मिनट तक। तब तक चलते गैस की तरफ, हम थोड़ा सा काम करेंगे गैस की तरफ, चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक तेल कढ़ाई में और तेल को हल्का सा गरम कर लेंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें एक बड़ी शिमला मिर्च जो हमने इस तरह से कट की है मोटी मोटी ये डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम पर बढ़िया तरीके से भूनेंगे। तो फ्रेंड देखिए शिमला मिर्च को 10 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर जो हमने एक कटोरी ली है ग्रेट करके। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीस करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर गाजर बताऊँ तो दो गाजर थी हमारी छोटी छोटी जिसको हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। गाजर आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है तो आप गाजर जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो गाजर को भी हम बढ़िया तरीके से 10 से 15 सेकंड भूनेंगे लो फ्लेम पर ताकि गाजर का जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें दो ग्रीन चिली जो हमने इस तरह से कट कर ली ये डाल देंगे और इसको हम बढ़िया तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इसमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करना है, आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं जैसे प्याज, शिमला मिर्च तो हमने ऐड ही कर दिया है। आप इसमें पत्ता गोभी, गोभी जो भी चाहे ऐड कर सकते हैं, जो आपको नापसंद हो आप हटा देना। तो यहाँ पे आप इसको हम गर्मा गर्म ऐड करेंगे इसके अंदर। तो चलिए ऐड करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट हम गर्मा गर्म ऐड करेंगे, ठंडा नहीं करना है, गर्मा गर्म ऐड करना है, इससे इसमें सारे फ्लेवर अच्छे से निकल कर आएंगे। तो अब इसको हम मिला लेंगे, हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि सिमई और हमारे गाजर के लच्छे टूटे ना। और ये रेडी हो चुका है, अब चलते हैं गैस की तरफ और आपको दो तरीके के नाश्ते बनाकर दिखाते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ कढ़ाई लिए। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच धनिया डालेंगे जो हम डालना भूल गए थे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो धनिया अगर आप नहीं खाते तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी लीव्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में धनिया इसलिए डाला है ताकि धनिया का जो कलर है बिल्कुल अच्छे से निकल कर आए। और तेल में आपको इसे भूनना नहीं है, तो कढ़ाई जो भी लीजिए या पैन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तो यहाँ पर हम हाफ टी स्पून तक ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे और इसको बढ़िया तरीके से गरम करेंगे। तो फ्रेंड तेल गरम हो चुका है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारा ये सिवई नीचे बैठ जाता है। अब हम एक चम्मच या कप की सहायता से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया है और इसको हम हल्का हल्का सा फैला लेंगे। तो यहाँ पे आप इसका साइज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा ना मोटा बनाना ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच से नापेंगे तो 2 चम्मच है और कप से नापेंगे तो 1 कप बैटर मैंने डाला है। और अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अगर आप कुरकुरा चाहते हैं तो इसको कवर मत करना, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको कवर कर सकते हैं, इससे ये सॉफ्ट बनेगा। तो मैं कुरकुरा चाहती हूँ तो मैं इसे कवर नहीं करूँगी, 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। तो फ्रेंड देखिए ये ऊपर से ड्राई हो चुका है। अब हम चम्मच की सहायता से इसको इस तरीके से चारों तरफ से छुड़ा लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसमें चिमटे का मदद ले सकते हैं और इस तरीके से अब हम इसको फ्लैट कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितना कुरकुरा और कितना क्रिस्पी लग रहा है। अब इसे हम दूसरे साइड से भी धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड देखिए दूसरे साइड से भी रेडी हो चुका है, अब इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये साइड छोड़ देता है, तो अब इसको हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट में आप इसको इस तरह से आराम से निकाल लीजिए, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा क्रिस्पी और कुरकुरा तैयार हो चुका है। अगर आप इसको ढक देंगे तो इतना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा,
जितना ये है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं कितना क्रिस्पी है और कितना बढ़िया इसका लुक आया है। अब आपको दूसरा तरीका बताएंगे कैसे बनाता है आपको इसे। तो फ्रेंड देखिए, कप पे पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक से दो दो बूंद बस काफ़ी है इतना। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और आप चाहे तो इसे किसी और तरीके से बना सकते हैं, यानी तड़का पैन नहीं बना सकते। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी सिवई हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे भुनी वाली। अगर आपने ये बचा के ना रखी हो तो बचा के रख लेना, इससे नाश्ते का लुक बहुत प्यारा आएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, ज़रा नहीं डाला है। और अपना तैयार मिश्रण को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है, इस तरह से एक एक चम्मच इसके अंदर फिल करना है। और गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि अच्छे से कुक हो। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से डाल दिया। अब इसको धीमे धीमे आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे, कवर नहीं करेंगे, और 2 मिनट बाद ये कुरकुरा हो जाएगा, फिर इसको हम पलट देंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से जब आप इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका। और मैंने इसको थोड़ा सा डार्क रखा है, आप चाहे तो हल्का सा लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुरकुरा और क्रिस्पी चाहते हैं तो इस तरीके से इसको बनाइएगा। तो चलिए फटाफट सारे पलट देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर। तो चलिए पलट देते हैं। तो फ्रेंड सारे पलट दिया, अब इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हो चुका है दूसरे साइड से भी डन। अब इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, कितने बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। तो चलिए सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये वाला हमारा पहला नाश्ता है, ये वाला दूसरा नाश्ता है। देखिए आपको कौन सा नाश्ता ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए नाश्ते का फाइनल लुक आप लोग के सामने है, ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, और ठंडा होने के बावजूद ये क्रिस्पी ही है। और यहाँ पर ये वाला भी आपको दिखा देते, ये वाला भी क्रिस्पी है। तो आप जिस तरीके से चाहे, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से अपने पैन में बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से इसके पराठे भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया था, और कितना बढ़िया अंदर से सॉफ्ट और लच्छेदार बना है। और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ। इस वाली चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको ये चटनी वाली रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये चटनी नहीं बनानी है तो आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। और केचप की रेसिपी चाहिए तो भी कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, जल्दी से बनाइए, और आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मैंने बनाए हैं, तो मैं दोनों में से किसी को भी बेस्ट नहीं बोल सकती हूँ। आपको कौन सा अच्छा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।